अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉइस ऑफ रूही न्यूज के साथ मैं हूं नाइला भट्टी। सबसे पहले शामिल करते हैं आज की अहम खबर। खानीवाल से जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ खालिद जट की रिपोर्ट। खानीवाल तहसील कौंसिल हाल में निजी एनजीओ जानिब से खवातीन का आलमी दिन मनाया गया। खवातीन के आलमी दिन की तकरीब के मेहमान खसूसी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अजूबा अजीम और एससी जनरल सदफ अकबर थी। तकरीब में खवातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। निजी एनजीओ की जानिब से मनाकदा तकरीब में खवातीन का सनफी मसावात और कम उम्र की शादी के हवाले से आगाही दी गई। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर समेत मुकर्रीन ने खिताब करते हुए कहा कि वालदीन को चाहिए कि बच्चियों के जहस के बजाय तालीम की तरफ रागिब करें। खवातीन के हुकूक की पामाली को महफूज बनाना हमारी जिम्मेदारी में शामिल है। तकरीब में तमाम शोबों से ताल्लुक रखने वाली खवातीन शरीक हुई। बाहिम्मत खवातीन को आज के दिन की मुनासिबत से खराज तहसीन पेश किया गया। खातून ने वॉइस ऑफ रोही से बात करते हुए कहा कि 8 मार्च खवातीन के आलमी दिन की अहमियत को उजागर करना खुश आइंद इकदाम है। तकरीब में शरीक खवातीन और मर्द ने बिस्मिल्लाह की जानिब से खवातीन के आलमी दिन पर तकरीब सुभाना और खवातीन की आवाज बनना खुशाइन इकदाम है। तकरीब में एडीसी आर्म ने बाहिम्मत खवातीन में इंफरादी काम करने वाली खवातीन में शील्डें तकसीम की।